हेलो फ्रेंड्स, आज हैशटैग आस्क ट्रिपल IEM के अंतर्गत मैं तृप्ति शाह आपके साथ एक प्रश्न लेके आई हूँ जो हमें बहुत सारे हमारे दर्शक पूछते रहते हैं। अभी मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग प्रकार के, पर बात तो एक ही करते हैं कि हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें हमारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट की। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फला फला आइटम और हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं ये प्रोडक्ट और हम इस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा। तो ये सवाल का जवाब आज मैं अलग से देना चाहती हूं और बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें ये प्रश्न लिखा है, तो मैं किसी एक का नाम ना लेते हुए मैं आपको जवाब दे रही हूं इसका। आप लोगों को ये समझना है कि डोमेस्टिक बिजनेस यानी कि भारत के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपके मोहल्ले में ही आपकी दुकान हो, चाहे आपका बाजार में आपका शोरूम हो, चाहे आप होलसेलर हो, चाहे आप सप्लायर हो, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, पर भारत के अंदर आपका बिजनेस है, ये इसको बोलते हैं डोमेस्टिक बिजनेस। और भारत से बाहर बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस करने का तरीका और डोमेस्टिक बिजनेस के तरीके में बहुत अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जैसे एक्सपोर्ट वगैरह हम करते हैं भारत देश में से, तो 195 कंट्रीज पूरे विश्व में हैं, सब जगह से एक ही नियम, एक ही स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने की, वो एक समान रहती है। पर जैसे डोमेस्टिक बिजनेस हम करते हैं तो वही प्रोडक्ट मैंने लिया, मैं मन चाहे, मैं मेरे मन का राजा हूँ, मैं मेरे दुकान का मालिक हूँ, मैं मन चाहे वो प्रॉफिट लगा सकता हूँ और मुझे प्रॉफिट बढ़ाना कम करना वो भी मुझे, मेरे हाथ में है, वो भी मुझे आता है। तो ये जो तफावत है उसके अंतर हम आज आपको बात करेंगे। तफावत हमारा डोमेस्टिक बिजनेस का तो हमें पता है क्या है, पर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिपेंडेंट रहेगा आपके सोर्सिंग यानी कि परचेजिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने कितने में वो प्रोडक्ट खरीदा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट रहेगा। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे। मुझे फ्लोर की टाइल्स आती हैं, बाथरूम में टाइल्स हम लगाते हैं, तो ये टाइल्स का बिजनेस, और मैं रहती हूँ लेटेस्ट से पुणे में। अब मैं पुणे में रहती हूँ और वहाँ मैं बाज़ार में गई, वहाँ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के पास में गई, मैंने होलसेल दाम पूछे फला फला साइज़ की टाइल्स के, विट्रीफाइड हैं, ग्लेज्ड हैं, फला हैं, ये हैं, वो हैं, सारी क्वालिटी हमने देख ली, फिर मैंने उसका दाम पूछा तो उन्होंने बोला कि एक टाइल जो है वो 100 रुपये की होगी। अब मुझे तो हज़ारों पीसेस चाहिए, तो उन्होंने बोला ये हमारा होलसेल प्राइस है। ठीक है, मैं 3-4-5 दुकानों में गई तो 101, 102, 98, 105 जैसा मुझे दाम मिला। आई वॉज स्टिल नॉट वेरी हैप्पी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, प्रोडक्ट रिसर्च इसको बोलते हैं, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला पुणे से थोड़ा दूर अगर गुजरात में आए और गुजरात में हम मोरबी शहर में जाएं तो पूरा भारत का कैपिटल है सिरामिक टाइल्स का, यानी कि फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स वगैरह टाइल्स का, सिरामिक्स प्रोडक्ट्स का पूरा कैपिटल है, पूरा हब है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहां पे चलती हूँ और वहां जाके देखती हूँ दाम क्या है। तो मैंने सैंपल तो लिए ही थे मेरे शहर के बाजार से, वो सैंपल लेके मैं मोरबी गई। मोरबी जाके मुझे पूरी दुनिया अलग ही मिली वहाँ पे, और जो दाम मुझे मिले तो मुझे
वो दाम 80 रुपये की एक टाइल मिल रही थी, 85 की एक टाइल मिल रही थी, 82 की एक टाइल मिल रही थी, कहाँ 92 रुपीज़, कहाँ 102 रुपीज़ मेरे शहर के दाम, और कहाँ यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरामिक टाइल्स, वहाँ पे मुझे 80, 82, 85, अगर मैं ज़्यादा नेगोशिएट करती तो 79, 78 तक भी वो आ सकते थे। तो यदि मैं 78, 79, 80, 85 भी ले लेती हूँ एंड आई एड ऑल माई एक्सपेंसेस, मैं सारे मेरे खर्चे उसके अंदर ऐड करके मैं अगर 92 रुपीज़ में मैं एक टाइल एक्सपोर्ट के लिए मैं रखूँ तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपीज़ पर टाइल हो चुका। नाउ आई हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द ऑन गोइंग मार्केट प्राइज यानी कि एक्सपोर्ट की प्राइस क्या है। इंडिया से टाइल्स जब एक्सपोर्ट होती हैं तो उसकी प्राइस क्या रहती हैं, वो मुझे मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बताएगा। एंड आई कैन ऑल्सो कॉल अप माई कंपेटिटर्स इन अदर कंट्रीज टू फाइंड आउट कि वो कौन सी प्राइस में बेचते हैं। डॉलर तो डॉलर ही रहा उसके देश के लिए या हमारे देश के लिए। तो मेरी परचेजिंग प्राइस जो है वो सबसे पहले इट इज डिफाइनिंग माय सेलिंग प्राइस। मेरी परचेजिंग प्राइस जो रहती है वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन करने के लिए रहेगी। एट द सेम टाइम मुझे ऑन गोइंग, ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत सस्ते में बेच दूं या फिर मैं बहुत महंगे में बेचूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोटेशन के लिए यदि आप अपना सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं तो आपको आपका परचेजिंग प्राइस इंडिया से ही आपने सप्लायर से खरीदा वो हो सके उतना कम, पर ऊंची क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो यदि हमने आपको ये जवाब अच्छी तरह से दिया है, आपको समझ में आ गया है प्रॉफिट मार्जिन आपकी कैसे डिफाइन होती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हियर इज तृप्ति शाह वंस अगेन विथ यू, विल शैल मीट यू With another question very soon. Thank you so much.